ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है, इस तरीके की होती है, सबको पता है, एम क्रॉस एन। एम जो होता है वो नंबर ऑफ रोज, ठीक है, 1 2 3। तो ये जो है ये एम है, एंड एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो है मतलब कितने, 1 2 3 4, तो ये जितने भी हो सकते हैं, तो ये एम क्रॉस एन, ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये हमारे नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स को लिखना चाहें, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। अब इससे क्या समझते हैं, जो ये फर्स्ट लेटर है, ठीक है, ये हमने देखा, हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये सब में सेम है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट लेटर जो हमारा AIJ में जो ये होता है, ये हमारा रो को डिनोट करता है, ओके, और ऐसे ही ये हमारा कॉलम को डिनोट करता है। ये चीज हमको समझ में आई, ठीक है। यहां से हमने एग्जाम्पल से देखा खुद से कि ये जो फर्स्ट और ये कॉलम के हिसाब से सेम है, तो ए जो आई होता है वो हमारे रो को डिनोट करता है, और जे जो होता है वो हमारे कॉलम को डिनोट करता है। अगर हम कहें दो मैट्रिक्स हैं, ए एम क्रॉस एन एंड बी पी क्रॉस क्यू की, ये ठीक है दो मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल कब होंगी, जब ये इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, जब हमारा एम इक्वल टू एन, एन इक्वल टू क्यू, ठीक है, ये फर्स्ट हमारे इक्वल होंगे, ठीक है, तो ही दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं। तो ऑर्डर उनका एग्जैक्ट सेम होगा तो हमारी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर वन हमारी होती है रियल मैट्रिक्स, ठीक है। रियल मैट्रिक्स का क्या मतलब हो सकता है, उसके के मैट्रिक्स के जो भी कंपोनेंट हैं, फॉर एग्जांपल ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, हम वैल्यूज को देख रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी सारी के सारी रियल वैल्यूज रहेंगी, ओके, ये सारी के सारी रियल वैल्यूज रहेंगी, तो हमारी ये रियल मैट्रिक्स है। एकदम सिंपल, सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अगर रियल वैल्यू वाले होंगे तो मैट्रिक्स हमारी रियल मैट्रिक्स होगी। अब इसी से एक बात निकल के आती है सीधी सी कि हमारी अगर हम कहें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो ये हम याद रखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ, ओके, ये हम क्या समझे, एट लीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से अगर एक भी मिनिमम, ठीक है, एक भी मिनिमम एलिमेंट, जैसे हम यहां बोले कि अगर इसको हम बोल देते जे, ठीक है, ये इमेजिनरी हो गया, तो एक भी हमारा एलिमेंट अगर इमेजिनरी हो गया तो हमारी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सा। अब हम रो वर्सेस कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे सिंपल फॉर्म में, ठीक है। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद है और ये एक कॉलम मौजूद है, ठीक है, सिंपल सा, बहुत सिंपल, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे सिंपल अगर हम देखें नल मैट्रिक्स, वो होती है ओ या जीरो के इक्वल, तो
तो वो कैसी भी कितनी भी बड़ी हो सकती है, बट उसके सारे एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे, ठीक है। तो ये आगे प्रॉपर्टीज में भी यूज होती है। तो नल मैट्रिक्स सिर्फ ये टर्म जो है नल, ये हमें याद रखना जरूरी है। ओके, अब हम क्या समझने जा रहे हैं, ये हमारी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ये हमारी है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में ओनली इतना डिफरेंट है, आप ऑर्डर को देख के बता सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर डिफरेंट है, जो ये ऑर्डर होता है m क्रॉस n, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू के हैं, m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। इससे हम समराइज करेंगे, m इज नॉट इक्वल टू n, तो हमारी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कॉलम 3 है, रो 2 है। अगर हमारा सेम है, m हमेशा n के इक्वल है, ठीक है, ये आपने देखा 2 क्रॉस 2, ये हमेशा इक्वल है 1, 2, 3, 4, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमेशा इक्वल है, तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंस की, और उसको ही हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत सिंपल। अब हम देखने जा रहे हैं डायगनल और प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा डायगनल होगा वो भी मेन डायगनल, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे इनको हम हमेशा या तो ये या प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे डायगनल तो एक ये भी है, ठीक है, तो यही चीज यहाँ कंसीडर करने वाली बात है कि हम मेन डायगनल की बात करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल डायगनल की बात करेंगे। तो ये सारे के सारे, और इनका जो ये होता है ए आई जे, ठीक है, तो उसमें आई हमेशा ये कंडीशन है, आई जे के इक्वल होगा, कैसे, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ठीक है, ये सारे हमारे डायगनल और प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये A11 है, A22, A33, तो I हमेशा J के इक्वल होगा, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, 1, 2, 3, ये मान लो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये जो तीन एलिमेंट हैं या जो ये डायगनल है, जो मेन डायगनल है, तो उसको हम प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इससे आप सोचेंगे तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो एक वर्ड आता है हमारा ट्रेस, तो ट्रेस होता है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल डायगनल, एकदम सिंपल। तो इस मैट्रिक्स का अगर बोला जाए कि ट्रेस क्या है, तो 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट था। अब अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस की बात करते हैं, तो सबसे सिंपल और सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर एक मैट्रिक्स का सम हो गया, दो मैट्रिक्स का सम हो गया A+B, तो उसका जो ट्रेस होगा, तो वो उन दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल ट्रेसेस के सम के इक्वल होगा, ओके। तो ये नंबर वन। नंबर टू की बात करें अगर हम, सिमिलरली यही चीज अप्लाई होती है A-B पे, ट्रेस ऑफ A - ट्रेस ऑफ B। नंबर थ्री की हम बात करें, ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA, ठीक है। ओके, एंड नंबर फोर प्रॉपर्टी है, ट्रेस ऑफ KA इज इक्वल टू K टाइम्स ट्रेस ऑफ A, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी है कि अगर K से हमने मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स में, तो ओवरऑल जो ट्रेस होगा, अगर आप सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे और बाद में K को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल होगा। चाहे आप AB का ट्रेस निकालो, चाहे आप उनको उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालो, सेम होगा, A+B, A-B, ये सारी तो कंडीशन आई सेम वाली,
ये सेम वाली है। अब हमारी बात आएगी कि सेम क्या नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है याद करने का, प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6, ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू एंड ट्रेस ऑफ बी ए इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बी हमारा ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ ए बोल सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिविजुअल मैट्रिसेस का हम ट्रेस निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ए बी या बी ए का निकालेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ट्रेस में क्या बात इंपॉर्टेंट है कि चार प्रॉपर्टीज हमारी इक्वल होती है और दो प्रॉपर्टीज नॉट इक्वल टू वाली होती है, तो इंपॉर्टेंट है। अब एक न्यू मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे हम, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इसकी बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हम समझते हैं ओके, या आपने क्या देखा, ये तो आपका लीडिंग डायगोनल था, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो आराम से समझते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अदर देन लीडिंग डायगोनल जो एलिमेंट होंगे, जैसे ये यहाँ पे है, या मगर 1 2 3, तो 0 0 0, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, अदर देन लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे 0 होने चाहिए, तो ही हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। या ये हमारा क्या होता था, प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ओके, और एक जरूरी बात कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑर्डर 1 2 3, ये क्या है, ऑर्डर मतलब डायगोनल मैट्रिसेस हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 की। एंड एक और बात कि अगर एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 3 की है, 1 2 3, तो हम उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, थ्री क्रॉस थ्री, या सिर्फ ये। तो इससे अगर हमने इंडिकेट कर दिया कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमने बता दिया है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम ऊपर किसकी बात कर रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम बात करें एक सब केस, तो वो हमारा होता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की खासियत क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो हमें पता है स्क्वायर ई होगी, 1 1 0 0, ठीक है। तो अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये होगा तो बाकी सब 0 होंगे हमें पता है। और ये जो दोनों एलिमेंट है इसकी खासियत क्या है, स्केलर मैट्रिक्स की, ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये हमें पता है कि इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, जैसे हम देख लेते हैं, √2 √2 एंड √2, ओके, ये तीनों एलिमेंट इक्वल हैं, ये क्या है, एक तरीके से सब केस है स्केलर मैट्रिक्स का, जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे डायगोनल के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो वो हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का सब केस स्केलर मैट्रिक्स का सुपर सब केस, एक तरीके उसी का सब केस है। कैसे, ये हम ये अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमको सबको पता है, ओके। क्यों, क्योंकि अदर देन डायगोनल एलिमेंट बाकी सब 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल है। अब अगर यही बात होती कि 1 की जगह होता 2, तब हम कहते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, वो अपने आप में सही बात होती,
लेकिन ये जो केस है ये वाला, ये एक स्पेशल केस है जहां पे वन 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 मतलब इक्वल तो है और इक्वल टू वन है, ये फिक्स हो गया है। तो एक स्पेशल सब केस हुआ ना एक तरीके से, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का, तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम सबने सुना है, और आप अगर देख रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि इसको मैंने ये डिफरेंट जीरो क्यों बनाया, उसको मैं बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या है, ठीक है, दोनों, एक मेन बात है कि अगर आप सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे तो वो दो तरीके की हो सकती है, या तो अपर या लोअर। तो हर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और हर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक अपने आप में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे मेन बात क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो मौजूद होगा ही होगा, और वो, ठीक है, वो मौजूद होगा। अब बात डिफरेंस कहाँ आता है, लोअर और अपर में। ठीक है, लोअर में क्या है कि ये एक लोअर में ट्राइंगल बनता है, ठीक है, और यहाँ पे एक अपर ट्राइंगल बनता है। मेन कंडीशन क्या है कि आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ऐसे आया। अब उसके बाद लोअर जब ट्राइंगल बन गया, तो उस ट्राइंगल को के अलावा, ठीक है, ये जो एलिमेंट है उस ट्राइंगल के अलावा, ये जो एलिमेंट है ये सब जीरो होंगे। ऐसे यहाँ पे अपर ट्राइंगल बन गया, उस ट्राइंगल के अलावा ये जो एलिमेंट है ये सभी जीरो होंगे। अब बात आई स्पेशल केस किसकी, इन इन जीरो की। ठीक है, ये तो ये एक स्पेशल केस है, या ये समझने वाली बात है जो कि काफी मदद करेगी, जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जैसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, लोअर अपर, तो अब ऊपर तो जीरोस होगा, ये तो नेसेसरी है, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो नहीं होगा तो नीचे जीरो मौजूद हो सकते हैं कि नहीं। हाँ, ठीक है, ये इसलिए मैंने अलग उससे बनाया कि नीचे जीरो मौजूद हो सकते हैं। ये एक सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टी है कि नीचे जीरो मौजूद हो सकते हैं, अगर ये भी जीरो होता और ये भी जीरो होता, ठीक है, तो ये फिर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती, क्योंकि सिर्फ डायगोनल। लेकिन अगर सिर्फ थ्री मौजूद है, जैसे कि फिर से बनाते हैं, ठीक है, ये किस तरह की मैट्रिक्स है आप ये बताइए। तो इसमें ट्रायंगल बनना है, ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर है, हाँ ये जीरो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन एटलीस्ट ये थ्री मौजूद है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये लोअर, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, शायद आप वो बात समझ रहे होंगे, इस हिसाब से ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये थ्री भी मौजूद नहीं होता तो क्या होता, तो ये आपका फिर डायगोनल मैट्रिक्स, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, ये समझ में आई कि लोअर में लोअर ट्राइंगल के अलावा बाकी जीरो, अपर में अपर ट्राइंगल के अलावा बाकी जीरो, और जो ट्राइंगल के अंदर अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो सकते हैं, एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये बात है, कोई बताता नहीं है, इतने डीप में नहीं डिस्कस करता। एटलीस्ट इस ट्राइंगल के अंदर अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, तो एक एटलीस्ट हमारा नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वरना फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांसपोज, तो उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज या ए वन लिख के। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है मान लो ए, तो आपका जो ए ट्रांसपोज होगा उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। तो जो आपकी पहली रो है वो आपका कॉलम में इंटरचेंज हो गया, ठीक है, मैंने हाईलाइट करके इसलिए दिखाया, और आपका जो दूसरी रो है वो आपके दूसरे कॉलम में इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज जो होता है, ठीक है, इंटरचेंज, उसको हम ट्रांसपोज कह सकते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट इसीलिए किया कि जो आपकी पहली रो थी वो आपका ट्रांसपोज पहला कॉलम बन गया, और जो दूसरी रो थी वो आपका दूसरा कॉलम बन गया। अगर प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि एक ट्रांसपोज का भी अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, एक बार रो कॉलम में चेंज होंगे, ठीक है, और अगेन आप कॉलम, इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, तो आपको एज इट इज वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, विद लॉजिक। या अगर ए प्लस माइनस कुछ भी, मतलब ये दो प्रॉपर्टी को एक साथ जोड़ते हैं, अगर आप ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो आपका ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, आप इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, या पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करिए फिर ट्रांसपोज करिए, तो वो एक ही बात होगी। ठीक है, ये अच्छी प्रॉपर्टी है समझने वाली।
या आप अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, जैसे कि 1, 2, 3, 4, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका 2, 4, 6, 8। तो आप पहले इसका ट्रांसपोज करिए फिर मल्टीप्लाई करिए 2 से, या आप 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसका ट्रांसपोज करिए, तो वो दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के ए का ट्रांसपोज, ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी, तो इनको इनको मैंने ऐसे ही ले लिया। एक प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है समझने लायक, ठीक है, ये तो सिंपल है कि ए स्क्वायर का आप ट्रांसपोज करें या ये ट्रांसपोज करके उसका स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, तो वो एक ही बात रहेगी। ठीक है, अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो आपके बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में क्या इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज क्या, आपने यहाँ पे ऑर्डर ए बी था, इस प्रॉपर्टी में यही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर आपका इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वो आपका गलत हो जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर डाला। अगर आप ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका नॉट इक्वल होगा ये, अगर आप ए बी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया फिर ट्रांसपोज किया देन ट्रांसपोज, या आप पहले ट्रांसपोज करें फिर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपका ऑर्डर चेंज होगा। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा इस वाले पर्टिकुलर केस में। ठीक है, शॉर्ट में बड़े प्यार से समझते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मैं हमेशा दो जो एक इक्विवेलेंट होते हैं एक जैसे होते हैं उनको कंपैरिजन में लेके ही चलता हूँ, जिससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या सिंपल सी प्रॉपर्टी आपकी है कि आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए या ए ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात कि अगर आप इस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, मतलब आपकी ये रो और ये रो सॉरी ये कॉलम इक्वल है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा 1, 2i-3, 1, 2i-3, ठीक है, अगर आप इसमें करेंगे 2i-4, 6, ठीक है, मिडिल कॉलम तो मिडिल रो तो मिडिल कॉलम 2i-4, 6 ये इक्वल होंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1, 4, 0 आपने प्रिंसिपल डायगोनल बनाया, ठीक है, मैंने उसको अलग से बनाया है और इनको अलग से बनाया, तो 2i-3 इधर है तो 2i-3 इधर आएगा, 6, 6 इधर आएगा। ठीक है, आप कंपेयर करिए थर्ड रो -3, 6, 0, -3, 6, 0, ठीक है, तो आपके जो रोज हैं और कॉलम हैं आप ये भी लिख सकते हैं ए जे आई इजकल टू ए आई जे, जो एलिमेंट है उनके वो भी सेम है, या फिर आपके जो रोज और कॉलम्स हैं वो आपके सेम होंगे, ठीक है, सिमेट्रिक में। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टी ये है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, इससे आप समझे। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे, उसमें ऐसा स्पेशल क्या होता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में अगर हम आ रहे हैं, सबसे मेन बात जो है कि आपका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा जीरो होगा, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, किसके अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, उसको स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए बोलते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, क्यों, क्योंकि हमने सिमेट्रिक में देखा कि ये एलिमेंट आपको एक ही बार मिलते हैं, 1, 4, 0 एक ही बार मिला, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या रूल है कि आपका जो ए आई जे है वो इक्वल होगा बट माइनस ए जे आई। ठीक है, ये 2 यहाँ है तो वो इधर भी होगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ, ये -3 है तो ये 3, ये 4 है तो -4। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा, फिर से देखते हैं, अगर ये आपका 0, -2, 3 है, ये पहला कॉलम है, तो आपकी पहली रो कैसी है, 0, 2, -3। ठीक है, तो साइन चेंज हो गए, अब 0 तो बदल के नहीं हो सकता, वो तो कॉमन है, पहले रो पहले कॉलम में 0 अकेला एलिमेंट है जो कॉमन है, या जो डायगोनल का एलिमेंट होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत बात है समझने वाली। अब जो कॉमन है तो आपको ये भी कंडीशन फुलफिल करनी है कि आपको साइन चेंज करना है, तो इस वजह से ये चीज आएगी, उसको हमने 0 कर दिया, या स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब 0 होगा। ठीक है, तो 0, 0, 0 और बाकी जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बड़े प्यार से समझाया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमें अच्छे से समझना है। इसको बुक में क्या करते हैं, बस बुक रीडिंग करी और आगे बढ़ गए, इसको हम सही से देखते नहीं। हाँ, एक पॉइंट और जो कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आता है कि अगर आपका ए जो है तो वो आपका माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, या आपका ए ट्रांसपोज जो है तो वो आपका माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता था, सीधे इक्वल होता था, तो यहाँ पे माइनस, जो हमने देखा कि हमारे वैल्यूज में माइनस आ जाता है, ठीक है, ट्रांसपोज करने पे। अब प्रॉपर्टीज में आते हैं, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कि जरूरी हैं। अगर आपकी दो मैट्रिक्स हैं वो सिमेट्रिक हैं, ठीक है, हमने एक कंडीशन ली कि हमारा ए और बी दोनों हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन लगाई कि ए बी हमारे सिमेट्रिक हैं, तो हम तभी बात कर रहे हैं, सारी बातें हमारी तब हो रही हैं, तो ए प्लस माइनस बी भी हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या कहते हैं कि अगर आप उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो नीड नॉट बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो भी सकता है किसी स्पेशल केस में, और जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो ही, ठीक है, नीड नॉट टू बी सिमेट्रिक। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमने दो प्रॉपर्टी की बात करी, पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन और दूसरा मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन नीड नॉट बी सिमेट्रिक, ठीक है, ए बी हमारे सिमेट्रिक हैं, ये हम लेके चले थे। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी है कि ए बी और बी ए जो हमने बात करी, इंडिविजुअली अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये जो टर्म है अपने आप में ये सिमेट्रिक, जरूरी नहीं है कि हो, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी माइनस बी ए करेंगे और ए बी खुद में सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बाकी सिंपल सिंपल सा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर सब हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। और जरूरी प्रॉपर्टी ठीक है, इनको हम कंपेयर करके देखेंगे। हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये दोनों में इंटरचेंज है कि अगर हम माइनस को लेते हैं तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आता है, याद रखेंगे, इसलिए अच्छे से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। माइनस लेते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक और प्लस लेते हैं तो हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। बाकी ए क्यूब, ए की पावर फोर, ये सब हमारे सिमेट्रिक हैं, तो हमें स्पेशल केस स्क्यू सिमेट्रिक का याद रखना है, जो सिर्फ एक बार आया, ए बी माइनस बी ए जो हमारा है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और इंडिविजुअली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी करते हैं, बी ए करते हैं, तो आप वो नीड नॉट सिमेट्रिक है, जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक ही हो जाए। और अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मतलब किसी ए में या के बी, ठीक है, दोनों कुछ भी अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ईजी है, मोस्टली सिमेट्रिक है, जो स्पेशल केस है वो हमको याद रखने हैं, ओके। हाँ, ये ऊपर वाला जो सारी प्रॉपर्टी थी वो पार्ट वन की थी, जहां पे हमने ए और बी दो मैट्रिक्स को माना, दोनों सिमेट्रिक। हमने सेकंड में क्या मानने हैं कि ए हमारा और ए ट्रांसपोज, ठीक है, दो को मानने, फिर हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। असल में ए ट्रांसपोज अलग मैट्रिक्स नहीं है, या बी जो हम लिख रहे हैं नहीं है, वो बस ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। ऊपर केस में जो बी था हमने ये माना कि यहाँ पे वो ए का ट्रांसपोज है, और कुछ तीसरे उसको मान के चलेंगे तब हम देखेंगे प्रॉपर्टी क्या है। इसमें हमारी तीन प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, अगर ए और ए ट्रांसपोज को लेते हैं, ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, नंबर वन, इजी एकदम। ए माइनस ए ट्रांसपोज की अगर बात करें तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो हमने क्या देखा, ए माइनस बी भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था, जहां पे माइनस ए बी माइनस बी है, ठीक है, वो चीज, तो जहां पे माइनस केस आ रहा है स्पेशली, तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बन के जा रहा है। एंड थर्ड हमारा ए ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए
मतलब ये वही बात हो गई ए बी या बी ए, ठीक है, वहां पे होता था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप नोटिस करें तो, वो था नीड नॉट बी सिमेट्रिक, बट ये हमारे सिमेट्रिक हैं, ठीक है, ये मैंने टिक लगाया, ये हमारे सिमेट्रिक हैं, ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी थी। थर्ड केस जो हम ले रहे हैं, ठीक है, तो हम मानने हैं कि ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अगर पहले से हमने मान लिया कि ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हैं, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज काम करेंगी वो देखेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा ए प्लस माइनस बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा नंबर वन। नो नॉट, ठीक है, ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है, ए बी और बी ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, ये श्योर है, बट अगर हम ये दोनों सिमेट्रिक लेते थे तो वहां पे क्या आता था, नीड नॉट, मतलब किसी स्पेशल केस में ये दोनों हमारा सिमेट्रिक हो सकता था, जब ए और बी मतलब इंडिविजुअली दोनों सिमेट्रिक हैं तो, ठीक है, तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं ना, यही सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात है, इसको नोटिस करके चलना है, ठीक है, नीड नॉट सिमेट्रिक के केस में आता था, जब ए बी हमारे सिमेट्रिक थे, ठीक है, ए और दोनों सिमेट्रिक हुआ करते थे, अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो हम देख रहे हैं कि ए बी और बी ए हमारा नॉट फिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होंगे, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ये हमारा सिमेट्रिक होंगे, ठीक है, भले ही ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हैं लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो सिमेट्रिक होंगे, तो ये हमें याद रखना है, और ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर भी हमारा सिमेट्रिक होगा, तो ये भी हमको याद, जहां स्क्वायर का केस आ गया वो हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं नीचे निकल के, कि अगर ए स्क्वायर ए फोर ए सिक्स, ठीक है, ये याद रखना है कि ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था, ठीक है, ए और बी जो दो थे कंडीशन, ये याद रखना है, लेकिन फिर भी ये हमारे सिमेट्रिक होंगे ना कि स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये हमारे सिमेट्रिक होंगे। ऐसी फिफ्थ पॉइंट, अगर ए क्यूब ए फाइव ए सेवन, हाँ यहाँ ऑड वैल्यू आई पावर तो हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इंडिविजुअली तो स्क्यू सिमेट्रिक था ही, ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और सिंपल सा के ए, क्योंकि ए खुद में स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये सिंपल सी, ठीक है। फोर्थ तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कहीं नहीं मिलती है, अगर ए आपकी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपका ए जो होगा वो आपका सम होगा आपके उनके सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक बोल रहा हूं मतलब ये प्लस आ गया, ठीक है, मैं दिखाता हूँ ग्रीन से, ये आपका प्लस आ गया और ये आपका माइनस आ गया, ठीक है, उनके सिमेट्रिक और उनके स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का सम होगा, इंडिविजुअली उसको आप उनके सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये समझेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, आप ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, डिवाइड बाय टू कर दो प्लस, ठीक है, दोनों प्लस में ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दो जो कि स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, डिवाइड बाय टू, वो सॉल्व करके आपका ए के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी और लेते हैं कि अगर बी ट्रांसपोज ए बी एक स्पेशल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है ए के ऊपर, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये ओवरऑल आपका सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये ओवरऑल आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ए लिया बी लिया प्लस बी का ट्रांसपोज और यूज किया जो कि शुरू में हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और बढ़िया से सिंपल सा पॉइंट, जो आपकी नल मैट्रिक्स होती है तो वो आपकी सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकती है, बट आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आपकी ओनली सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नल मैट्रिक्स में तो कोई बात ही नहीं है, आप उसका ट्रांसपोज कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है, जैसे ये है, हाँ इसको थोड़ा समझते हैं, एक मिनट देते हैं बस, लास्ट आपका ये तो कंडीशन थी ही, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो कंडीशन फुलफिल है, बाकी आपके एलिमेंट को आप इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लगा के वही आए, ठीक है, माइनस आ जाए,
तो जब जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक दोनों हो सकता है। आई एन जो होगा आपका अगर ये है 1 0 0 1, ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक की बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ तो वायलेट हो गई क्योंकि 0 0 नहीं है डायगनल में, तो ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड होता है पार्ट वन, ठीक है, पार्ट ए वन जो भी बोलेंगे, पार्ट बी वीडियो दूसरे में लगेगा। तो ये सारा मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ बहुत सारे मैट्रिक्स मैट्रिसेस को हमने कवर किया है। थैंक यू।